कोरोना की इस महामारी में पूरा विश्व इस समय जूझ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया है, उन्होंने कहा है कि गरीबों की भी मदद करें, लोग मदद करें और कोरोना फाइटर्स का सम्मान करें। जो कोरोना वॉरियर्स हैं, फाइटर्स हैं, उनका सम्मान भी करें। तो इसी तरह पूरे देश भर में, हमारे भारत देश में, लोग अपने जान हथेली पर रखकर जो कोरोना वॉरियर्स हैं और जो गरीब हैं उनकी मदद भी कर रहे हैं और उनका सम्मान भी कर रहे हैं। इसी क्रम में हम बता दें कि चित्रकूट में समाज सेवा में लोग लगे हुए हैं और इस पर चित्रकूट के युवा समाज सेवी इंजीनियर सौरभ शर्मा द्वारा सभी सफाई कर्मियों को टिफ़िन उपहार देकर सम्मानित किया गया। और समस्त, क्योंकि उनका, इंजीनियर सौरभ शर्मा का कहना है कि वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए, समाज को बचाने के लिए स्वच्छता अभियान की मुहिम में दिन रात नगर पंचायत, दीनदयाल शोध संस्थान, सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट, मध्य प्रदेश टूरिज्म, वन विभाग, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के स्वच्छता कर्मी अपनी जान हथेली पर रखकर इस कार्य में लगे हैं। हम उनका सम्मान करते हैं ताकि उनका मनोबल बढ़ा रहे और उनको इस महान कार्य के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। युवा समाज सेवी सौरभ शर्मा के साथ इस कार्य में सीएमओ चित्रकूट रमाकांत शुक्ला भी उपस्थित रहे। सीएमओ चित्रकूट इस समय सामाजिक कार्यों में बहुत तेज़ी से कार्य कर रहे हैं। हम सीएमओ चित्रकूट रमाकांत शुक्ला जी का भी आभार व्यक्त करते हैं। तो निश्चित रूप से हम यदि इनका सम्मान और मनोबल बढ़ाते रहेंगे तो ये भी दुगनी ऊर्जा से इस समाज के लिए कार्य करते रहेंगे। सुनिए क्या कहते हैं इंजीनियर सौरभ शर्मा। हमारे तमाम लोगों को चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, तो उनका मनोबल न रिंचे, इसलिए हम लोगों ने मिलकर आज इनका सम्मान किया है। किस तरह से सम्मान किए हैं आप लोगों? आज हमें इनको जो है गिफ्ट के रूप में उनको खाने की टिफिन दी गई है आज इनको। ये प्रेरणा आपको कैसे मिली? प्रेरणा ये सर उसको मेरे पिताजी के द्वारा प्राप्त हुई और वो भी ऐसे कई कार्य करते रहते हैं सामाजिक स्तर पर, समाज अच्छे कार्य किए हैं, उसको देखिए हमारे अंदर ये भावना है कि हमको भी उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करना चाहिए। क्या नाम है आपके पिताजी? मेरे पिताजी नाम श्री राकेश सर। बहुत ही अच्छी पहल है कि यदि हमारे देश का युवा हमारे इस महामारी में पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी और जो भी दिन रात ड्यूटी में लगे हैं उनका सम्मान करेंगे तो निश्चित रूप से एक मनोबल मिलेगा और नई ऊर्जा से वो काम भी कर सकेंगे। न्यूज अब तक भी ऐसे सफाईकर्मी, पुलिस प्रशासन और डॉक्टर्स और भी जो लोग इस कार्य में लगे हैं, समाज से भी उनका आभार व्यक्त करता है, उनको साधुवाद देता है। मैं न्यूज अब तक से मुकेश मिश्रा के साथ वरुण शर्मा।